बच्चों, आज फिर से उपस्थित है आपके लिए कक्षा 12 की पुस्तक सृजन का पाठ लेकर के आपके लिए उपस्थित हूँ मैं फिर से। इससे पहले हम संतवाणी पढ़ चुके हैं। संतवाणी में हमने तुलसीदास, कबीर और कृपाराम खेड़िया जी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सूरदास, जो कि आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। बच्चों, आपकी जो पुस्तकें बनी हुई है कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की जो पुस्तकें हैं, उन सभी पुस्तकों के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिंदी साहित्य में जो कालक्रम है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन कालों के अनुसार कवियों का वर्णन दिया हुआ है, ताकि आप उनके बारे में जाने, उनके बारे में पढ़े और आपका जो ज्ञान का भंडार है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो, ठीक है। तो सूरदास जी के बारे में है, भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद। अब भ्रमर गीत, पहले हम सूरदास जी के बारे में जान लेते हैं, कौन थे सूरदास जी। वैसे तो आप सब जानते हैं उनके बारे में, लेकिन थोड़ा सा आपको जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपके 9th से लेकर के 12th क्लास की जो प्रश्न आते हैं, जो परीक्षा होती है, उसके अंदर उनका कवि परिचय पूरा आता है और 4 से 5 नंबर का या 3 से 5 तक के जो नंबर है उसके दिए हुए होते हैं। तो कवि परिचय में देखिए, सूरदास जी का जो जन्म हुआ था सन 1483 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली के पास में सीही नामक गांव था जहाँ इनका जन्म हुआ माना जाता है। इनके जो गुरु थे वो गुरु थे वल्लभ संप्रदाय के, जो प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य जी, वो इनके गुरु थे। और सूरदास जी के बारे में ये कहा नहीं जा सकता कि वो जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए थे। कोई कुछ लोग कहते हैं कि वो जन्मांध थे, कुछ लोग कहते हैं कि वो बाद में अंधे हुए थे, ठीक है। तो जो सूरदास जी थे, सूरदास जी वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने से पहले इनके जो पद होते थे या इनकी जो काव्य रचनाएं होती थी, वो बच्चों दास भक्ति से संबंधित होती थी। वो स्वयं को अपना दास मान करके भगवान श्री कृष्ण की सेवा भाव पूजा किया करते थे। लेकिन वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद में ये सखा भाव की भक्ति करने लगे। भक्ति जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, सखा भाव की, माधुर्य भाव की और दास्य भाव की। यदि आप भगवान को अपना प्रियतम मानकर, अपना प्रेमी मानकर के भक्ति करते हैं, तो वो माधुर्य भाव की भक्ति कहलाती है, जो कि मीराबाई ने की थी श्री कृष्ण को अपना पति मान करके। दूसरी होती है दास्य भाव की भक्ति, जिसमें स्वयं को भगवान का सेवक मान करके, दास मान करके उनकी भक्ति की जाती है, जैसे तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम की और हनुमान जी की थी। और एक होती है सख्य भाव की, सखा भाव की भक्ति, जो कि भगवान को अपना सखा मान करके, दोस्त मान करके भक्ति की जाती है, तो वो सख्य भाव की भक्ति होती है, जो कि सूरदास जी ने की थी, ठीक है। तो वल्लभ जी से मिलने के बाद में, वल्लभाचार्य जी से दीक्षा लेने के बाद में सूरदास जी की जो भक्ति है वो कौन सी भाव की भक्ति कहलाई? सखा भाव की भक्ति कहलाई, ठीक है। अब वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद में वल्लभाचार्य जी ने उन्हें भागवत कथा सुनाई थी, और भ्रमर गीत जो लिया गया है वो उसी भागवत का एक अंश है बच्चों, जिसके आधार पर कवि ने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया। सूरदास ने ब्रज भाषा में कृष्ण जी की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। वे भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य के अनुपम कवि हैं। सूरदास जी की केवल 3 रचनाएं हैं, सूर सारावली, सूर सागर और साहित्य लहरी, जिनमें से इनकी प्रसिद्धि का जो कारण था, श्रेष्ठ मानी जाती है बच्चों, वो सूर सागर मानी जाती है, ठीक है। और सूर सागर ही इनकी कीर्ति का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है, ठीक है। सूरदास जी अष्ट छाप के शीर्ष कवि हैं बच्चों। वल्लभाचार्य जी के बेटे थे विठलनाथ जी, विठलाचार्य भी कहा जाता है उनसे। विठलनाथ जी ने अष्ट छाप नामक एक पुस्तक बनाई थी, आपको अष्ट छाप की स्थापना की थी। उस अष्ट छाप के अंदर 4 शिष्य थे वल्लभाचार्य जी के और 4 शिष्य थे विठलनाथ जी के। इन 4 शिष्यों और 4 शिष्यों को मिलाकर के उनकी जो रचनाएं थी, उनका जो काव्य था, उनका संकलन किया गया, उनको स्टोर किया गया, संग्रह किया गया, और उसके आधार पर उन्होंने अष्ट छाप में प्रमुख श्रेष्ठ कवियों की रचनाओं का संग्रहण किया था विठलनाथ जी ने, ठीक है। तो उस अष्ट छाप के प्रमुख कवि माने जाते हैं सूरदास जी। कृष्ण के लोक रंजक रूप को काव्य का आधार बनाकर उन्होंने जयदेव और विद्यापति की गान परंपरा को आगे बढ़ाया। बच्चों, यहाँ पे जयदेव और विद्यापति कौन थे? जयदेव और विद्यापति ये आदिकाल के कवि थे। विद्यापति की पदावनियां, जो कि भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रेम लीलाओं का वर्णन उनमें किया गया है, संयोग और वियोग श्रृंगार का उसमें वर्णन किया गया है, जयदेव की भी बहुत अच्छी रचनाएं हैं। तो ये दोनों का, इन दोनों की परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया है? सूरदास जी ने किया है। सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। उनके बारे में कहा जाता है, सूर सूर तुलसी ससी उड़गन के सवदास, अब के कवि खद्योत है जह तह करत प्रकाश।
ये बारे इनके बारे में कहा गया है कि सूर दो सूर्य है। हिंदी साहित्य का सूर कहा जाता है, सूर यानी सूर्य कहा जाता है सूरदास जी को। तुलसी ससी तुलसीदास जी को चंद्रमा कहा जाता है। उड़ुगन यानी कि जुगनू कहा जाता है केशव दास जी को। सूरदास जी जो है वो कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक माने जाते हैं, कृष्ण काव्य परंपरा के प्रवर्तक हैं। तुलसीदास जी राम राम काव्य जो है, राम भक्ति पर काव्य जो है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। केशव दास जी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। अब के कवि खद्योत हैं, यानी कि आधुनिक जो कवि हैं वो पक्षीगण माने गए हैं या तारागण माने गए हैं। जहते करत प्रकाश, जो इधर उधर प्रकाश करते हैं, मतलब उनकी जो प्रकाश है, उनकी जो रचना है वो कम प्रकाश वाली है। हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास जी, हिंदी साहित्य के शशि यानी कि चंद्रमा तुलसीदास जी, उड़ुगन यानी कि जुगनू केशव दास जी जो थोड़ा सा प्रकाश करते हैं, और अब के जो कवि हैं आधुनिक काव्य लिखने वाले जो कवि हैं वो थोड़ा बहुत प्रकाश करते हैं। ठीक है, तो ये इनके बारे में कहा गया है। अब भ्रमरगीर पाठ में सूरदास के 6 पद लिए गए बच्चों। ठीक है, श्री कृष्ण ने विरह वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देने के लिए उद्धव को भेजा। जब भगवान श्री कृष्ण को राज मिल गया कंस का वध होने के बाद में, जब वो मथुरा चले गए तो मथुरा से उन्होंने अपना दूत भेजा जो कि उद्धव था। उनका वो बाल सखा भी था और उनके रिलेशन में वो चाचा जी भी लगते थे। तो जब उन्होंने उनको भेजा योग संदेश लेकर के, निर्गुण भक्ति का संदेश लेकर के जब उन्होंने भेजा उद्धव जी को, तो उद्धव जी जब उनका योग संदेश लेकर के, निर्गुण साधना का उपदेश लेकर के जब वो गोपियों के पास में आते हैं, तो गोपियां उनको किस तरीके से व्यंग्य करती हैं, क्या बातचीत उन दोनों के बीच में होती है, कैसे वो उद्धव को शर्मिंदा करती हैं कि आप लोग, आप कृष्ण के पास रहकर भी कृष्ण की भक्ति में सराबोर नहीं हो पाए, आपने कृष्ण का प्रेम नहीं पाया, तो आप कैसे कृष्ण के पास में रह सकते हो, आप कृष्ण के साथ रह करके उनकी उनकी मोह माया में नहीं बन पाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर उन्हीं के बारे में बताया गया है। उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देते हैं, तभी वहां एक भौरा आता है और उसी भौरे को लक्षित करके गोपियां भ्रमर के बहाने उद्धव को जवाब देती हैं, उन्हें कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं। ठीक है, और उन्हें का जो दिया हुआ उपदेश होता है वो उपदेश किसके समान लगता है, कड़वी ककड़ी के समान लगता है। उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में कृष्ण से लगाव लाभदायक होता है। अगर उन्हें कृष्ण जी मिल जाते हैं, कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं तो भी उनका लाभ है, और अगर नहीं मिलते हैं तो भी उनका लाभ है। देखेंगे कैसे आगे। मथुरा काजल की कोठरी के समान है जहां पर सारे ही काले रहते हैं, उनकी आंखें कृष्ण दर्शन को व्याकुल है, वे निर्गुण ब्रह्म के रूप रंग निवास माता पिता आदि का ब्यौरा जानना चाहती है, डिटेल जानना चाहती है आखिर है क्या चीज। कृष्ण की याद दिलाने वाले वन उपवन लता वितान यमुना आदि विरह काल में भीषण संताप दायक बन गए हैं। ये सभी इनके पदों का परिचय दिया गया है। तो उन 6 पदों में क्या दिया गया है, हम उनको विस्तार से पढ़ते हैं। हमारे हरि हारेर की लकड़ी मन बच क्रम नंद नंदन सो उर यह दृढ़ करी पकड़ी। यहाँ पर उद्धव को गोपियां कह रही हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी के समान है। बच्चों हारिल नामक एक पक्षी होता है जो अपने पंजे के अंदर अगर लकड़ी का टुकड़ा जो है वो दबा लेता है तो वो बहुत परिश्रम करने पर भी उसके हाथ से नहीं छूट सकता है, मतलब बहुत दृढ़ता से वो उस लकड़ी को पकड़ के रखता है। तो यहाँ पर भी इन्होंने यही बताया गोपियों ने कि हमारे जो कृष्ण हमारे जो हरि हैं वो हारिल की लकड़ी के समान है, जैसे हारिल पक्षी उस लकड़ी को दृढ़ता से पकड़े हुए रहता है, ऐसे ही हमने भी भगवान श्री कृष्ण को दृढ़ता से अपने मन में बैठा रखा है, उनको पकड़ रखा है, अपने प्रेम रूपी पाश में उनको जकड़ रखा है। मन से वचन से और कर्म से, मन वच कर्म तीनों से हमने नंद के नंदन अर्थात नंद बाबा के बेटे को उरिय दृढ़ पकड़ी, हमने उनको हृदय के अंदर पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, हमने मन से वचन से और कर्म से तीनों ही प्रकार से अपना सब कुछ किसे मान रखा है, भगवान श्री कृष्ण को मान रखा है। जागत सोवत सपने सौतुख कान कान जकरी, कि जागते हुए सोते हुए सपने में भी हर प्रकार से हम तो केवल एक ही नाम जपा करती है, कृष्ण कृष्ण का हम जाप करती रहती हैं। सुनते जोग लगत ऐसो आली जो करवी ककरी, और तुम जो ये योग रूपी संदेश लेकर के आए हो, ये योग रूपी संदेश तो सुनते ही है भवरे, ऐसा लगता है मानो कड़वी ककड़ी हो, कड़वी ककड़ी जब तुम खा लेते हो या कड़वी काचरी जब तुम लोग खा लेते हो तो आपके मुंह का पूरा टेस्ट बिगड़ जाता है बच्चों, इतना कड़वा हो जाता है कि आप पानी भी पी लेते हो तो भी आपका मुंह का टेस्ट वापस नहीं आ पाता है। तो
ऐसे ही यहाँ पे जब गोपियों को उद्धव जी ने योग संदेश बताया, योग संदेश निर्गुण निर्गुण ब्रह्म की साधना का संदेश दिया, तो उन्हें वो कड़वी ककड़ी के समान लगा। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी ना करी। आप तो हमारे लिए बीमारी लेकर के आ गए, ये जो आप योग संदेश लेकर के आए ना, ये तो हमारे लिए बीमारी के समान है। आपने ना देखा ना सुना, आप तो बस लेके आ गए हमारे लिए। यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चकरी। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से यहाँ बता रहे हैं कि हे उद्धव, आप ये योग रूपी संदेश उन लोगों को दीजिए, उन जनों को दीजिए जिनके मन चक्री रहते हैं, अर्थात जिनका मन स्थायी नहीं रहता है। आज ये कर लू, आज वो कर लू, आज यहाँ जाया हूँ, आज वहां जाया हूँ। तो जिन लोगों के मन स्थिर नहीं रहते हैं, स्थायी नहीं रहते हैं, उन लोगों के लिए ये निर्गुण योग रूपी संदेश होता है। हमारा मन तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में स्थायी है, हमें उनके सिवा कुछ नहीं दिखाई देता है। हम तो मन से, कर्म से और वचन से तीनों ही प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया करती हैं, तो हमें इस योग रूपी संदेश की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हम तो दुहु बाती फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नाथ रु जग जस गायो। अब यहाँ पर जब योग रूपी संदेश उद्धव ने दे दिया गोपियों को, तो गोपियां क्या कह रही हैं कि हम तो दोनों ही प्रकार से फल भोगेंगी। कहने का मतलब, अगर हमें भगवान श्री कृष्ण का मिलन होता है, अगर हमें वो मिल जाते हैं, उनके दर्शन हमें प्राप्त हो जाते हैं, तो भी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर वो नहीं मिलते हैं, तो भी ये संसार तो हमें याद करेगा कि हम गोपियां भगवान श्री कृष्ण, जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनके साथ में हमें रहने का मौका मिला, हमें अवसर मिला कि भगवान श्री कृष्ण के साथ में हमने लीलाएं करी। ठीक है, तो यहाँ पर गोपियां ये कह रही है कि हमें तो दोनों ही प्रकार से फल प्राप्त हो रहा है, दोनों ही प्रकार से हमारे लिए तो अच्छा ही है। अगर ब्रजनाथ मिलते हैं तो भी अच्छा है, और नहीं तो जब तो यश गाएगा इस संसार में, तो हमारी यश कीर्ति का गुणगान होगा। कहा वह गोकुल की गोपी सब वरन हीन लघु जाती, कि हम कहाँ गोकुल की गोपियां, ना तो हम उच्च वर्ण की हैं, ना हम ऊंची जाति की हैं, ना हमारा रंग रूप अच्छा है, फिर भी कह वह कमला के स्वामी संग मिली बैठ इक पाती, फिर भी हम नीची जाति की हैं, फिर भी हमें भगवान श्री कृष्ण के साथ एक ही पंक्ति में बैठ करके भोजन करने का, या उनके साथ में रहने का, या उनके साथ में लीलाएं करने का अवसर प्राप्त हुआ। कमला के पति, कमला यहाँ पर लक्ष्मी जी के लिए आया है, कि वह कमला के स्वामी, वह लक्ष्मी जी के स्वामी जिन्होंने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है, उनके साथ में हमें एक ही पंक्ति में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते वे घोष निवासी। भगवान श्री कृष्ण चारों वेदों के ज्ञाता हैं, उन्हें हर प्रकार का ज्ञान है, उन्हें कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता, आसानी से जिन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता, उन ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को ते भय घोष निवासी, वो तो दूर देश में जाकर निवास करने लगे हैं, मथुरा में जाकर के वो निवास करने लग गए हैं। ता ऊपर अब सांच कहो धो मुक्ति कौन की दासी। अब तुम्हें एक बात बताओ, जिन्हें ऐसे भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो गया हो, जिनका साथ मिल गया हो, जिनके साथ में रहने खाने उठने बैठने का जिनको अवसर प्राप्त हो गया हो, ऐसे लोगों को अब किस प्रकार की मुक्ति चाहिएगी, अब तुम ही बताओ। वो और किसकी अब दासी दासता ग्रहण कर सकती है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की दासता मिल गई हो, वो अब किसी और की चाकरी नहीं कर सकती है, और ऐसे लोगों को अब मुक्ति की भी इच्छा नहीं रह जाती है। जोग कथा पा लागो ऊधो ना कहूं बारंबार, सूर श्याम तजी और भजे जो ताकि जननी छार। अब यहाँ पर उद्धव कह रहे हैं, तो यहाँ पर उद्धव को गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, हम आपके बार बार पैर पड़ती हैं, हम आपको बार बार ढोक देती हैं, कृपा करके हमें योग रूपी संदेश मत दो, हम योग साधना करने के लायक नहीं है। सूर श्याम तजी और भजे जो ताकि जननी छार। अगर श्री कृष्ण को छोड़ करके जो दूसरों का भजन करते हैं, जो दूसरों की भक्ति करते हैं, वो लोग तो अपने माता पिताओं के भी योग्य नहीं रहते, मतलब अपनी माता पिता की भक्ति करने के भी योग्य नहीं रहते हैं, ऐसा यहाँ पे गोपियों ने कहा। ठीक है, यहाँ पर गोपियां ये भी कह रही हैं कि हे उद्धव, सच सच कहना, ये मुक्ति किसकी दासी है, भक्ति की जो दासी है। अगर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हमें अपने आप मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, हमें अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। बिलक जनी मानो उधो प्यारे, हे उधो एक बात कहें तुम्हें, अगर तुम गुस्सा नहीं हो, अगर तुम सच मानो, अगर बुरा ना मानो, तो एक बात कहना चाहती हूँ हम तुमसे।
वह मथुरा काजल की कोठरी जे आवहि ते कारे। वह मथुरा जो है काजल की कोठरी है, वहां से जो भी आता है ना वो काला ही होता है। तुम कारे, देखो तुम ही काले हो। सुफलक सुत कारे, सुफलक की सुत अर्थात अक्रूर जी, वो भी काले हैं। कारे मधुप भवारे, और जहाँ के जो भवरे हैं, भवरे तो मोस्टली होते ही काले हैं, लेकिन यहाँ पर एक संकेत किया गया है कि मथुरा से आने वाला प्रत्येक व्यक्ति कैसा है, काला है। तो जो भवरा जो आया था उद्धव जी के साथ में, वो भवरा भी कैसा है, काला है। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनियारे, और उन लोगों के बीच में भगवान जो श्याम है, भगवान जो कृष्ण है, उनका भी वर्ण श्याम है। तो वो कैसे लग रहे हैं, मानो मोती के समान, मणि के समान वो आप लोगों के बीच में सुशोभित हो रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। मानो नील माट ते काढ़े लय जमुना जाए पखारे। मानो नील के मटके में से डुबा करके उन सबको जाकर के कहाँ मिला दिया हो, यमुना नदी में जाकर के मिला दिया हो। ऐसे आप लोग काले वर्ण के हो, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोगों के कारण ही तो कहीं यमुना नदी काली नहीं हो गई है। तागुन श्याम भई कालिंदी स्यूर श्याम गुण न्यारे। तो इन्हीं गुणों के कारण ऐसा लगता है कालिंदी यहाँ पर यमुना नदी के लिए आया है। तो सूरदास यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि श्याम के इन्हीं न्यारे गुणों के कारण लगता है यमुना नदी काली हो गई है। ठीक है, तो यहाँ इस वाले जो, ये वाला जो पद है, इसके अंदर काली जो श्याम वर्ण है, भगवान श्याम का श्याम वर्ण यानी कृष्ण के काले रूप का वर्णन किया है, और उसको विशेषता के रूप में दृष्टिगोचर किया है यहाँ पे कवि ने। बच्चों, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी। अब जिन नेत्रों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की आशा थी, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों को, जिन गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखने की लालसा थी, जब उन्हें उद्धव के द्वारा योग रूपी संदेश मिलता है, तो क्या होता है बच्चों, देखो कि हमारी आंखें तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की प्यासी थी, कैसे रहे रूप रसराची, कि जिन आंखों को भगवान श्री कृष्ण के रूप को देखने से संतुष्टि मिलती, ये बतिया सुनी रूखी, उन्हें ये रूखी बातें, ये योग रूपी बातें सुनकर के बहुत बुरा लग रहा है। अवधि कनत इकटक मग जोवत तब एती नहीं झुकी। अब यहाँ पर गोपियां कह रही है कि हाँ, इतने इतना टाइम हो गया, इतना समय व्यतीत हो गया, भगवान श्री कृष्ण को यहाँ आए हैं, हम उनकी अवधि गिन रही है, हम समय गिन रही है, हम इकटक उस मार्ग को देखती रहती है जहां से श्री कृष्ण गए थे, उसी मार्ग से उनके आने की प्रतीक्षा में उनका मार्ग जोते जोते भी हमारी आंखें इतनी झुकी नहीं हुई थी, कहने का मतलब हमें इतनी व्याकुलता नहीं हुई थी, इतना दुख नहीं हुआ था। अब इन जोग संदेश सन उधो अति अकुलानी दुखी, लेकिन आपका योग रूपी संदेश सुनने के बाद में इन नेत्रों को बहुत ज्यादा व्याकुलता हो रही है, हमें इतना दुख हो रहा है जितना दुख हमें उस मार्ग को देखते देखते नहीं हुआ था। बारक वह मुख फेर दिखाओ दुहि पे पीवत पतुखी, हमें वो मुख एक बार वापस दिखला दो, हमें भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं को वापस एक बार दिखला दो जिन लीलाओं को वो छोड़ के गए थे। बच्चों, यहाँ पे पतुखी होता है दोना, जो पत्तों का दोना बनता है ना, उस पतुखी में, अब जब श्री कृष्ण यहाँ गोकुल में रहते थे तो वो दोनों पत्तों का दोना बना करके उसमें दूध दोह करके भर के पीते थे, तो वही जो क्रियाकलाप है, वही जो उनकी लीला है, वहाँ यहाँ गोपियों को याद आ रही है, और वो उन्हीं को याद करके कह रही है कि हम एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं को देखना चाहते हैं, उन लीलाओं का आनंद लेना चाहते हैं। सूर सिकत हटी नाव चलायो ये सरिता है सुखी। अब गोपियां या उद्धव को कहनी कि हे उद्धव, हम तो सूखी नदी के समान है, और इस सूखी नदी में नाव चलाना व्यर्थ है, अर्थात हम पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूब चुकी हैं, और उस भक्ति में डूबने के बाद में आप जो ये योग रूपी नाव चलाना चाहते हो, ये योग रूपी नाव चलाना आपका व्यर्थ है, क्योंकि हमारे ऊपर से योग रूपी संदेश का कोई कोई असर, कोई प्रभाव नहीं होने वाला, हम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है, और उसी में डूबे रहना हमारे लिए ज्यादा उचित है। अब आगे गोपियां कह रही है, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समझाए सौंधे बूझती सांच ना हंसी। अब यहाँ पर जब उद्धव निर्गुण रूपी संदेश देता है, तो गोपियां उससे उल्टे प्रश्न करती हैं कि आखिर ये निर्गुण है कौन, किस देश का वासी है। मधुकर, हे भौरे हंसना मत, आपको हम कसम देके पूछती हैं, सच सच बताना, अगर आपने झूठ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी, इसका पिता कौन है? जनक यानी पिता, जननी यानी माता, इसकी माता किसे कहते हैं, कौन इसकी नारी है और ये किसका दास है, किसकी दासी है? कैसो बरन भेस है, कैसो केही रस में अभिलाषी, इसका वर्ण कैसा है, इसका वेशभूषा कैसी है, ये कौन से रस में अभिलाषा रखता है, इसको कौन सा रस प्रिय है? पावे गोपनी कियो आपनो जोरे, कहे गो गासी, अगर तुमने हमसे कुछ भी झूठ कहा ना तो उसका कर्म, उसका फल तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुम हमसे झूठ कहोगे तो तुम्हें झूठ का फल अवश्य मिलेगा। सुनत मौन रह रहो ठग्यो सो, सूर सबे मति नासी। गोपियों की ऐसी बातें सुनकर की, क्योंकि निर्गुण क्या है, निर्गुण एक भाव है बच्चों, भगवान का कोई आकार या रूप न मान करके जब उनको याद किया जाता है, उनकी भक्ति की जाती है, जैसे कबीर दास जी ने की थी, दादू दयाल जी ने की थी, तो ऐसी भक्ति जो होती है वो निर्गुण ब्रह्म कहलाता है, निर्गुण भक्ति कहलाती है। भगवान के किसी आकार को न मान करके निराकार ब्रह्म की साधना जब की जाती है तो वो निर्गुण भक्ति कहलाती है। तो ऐसे निर्गुणता के बारे में, ऐसे योग साधना के बारे में जब गोपियां ऐसा पूछ रही है कि उसका पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसका वर्ण कैसा है, किसकी दासी है, तो जो निर्जीव वस्तु का वो कैसे रूप रंग आकार बता सकता है? गोपियों की ऐसी बातें सुन करके जो उद्धव है वो ठगा सा रह जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि, उसे लगता है कि गोपियां तो पूरी तरीके से पागल हो गई हैं, उन्हें किसी भी बात की, किसी भी चीज की सुध-बुध नहीं रही है। ठीक है, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अभय विषम ज्वाल की पुंजे। जब श्री कृष्ण मथुरा में गए थे, उससे पहले जब वो गोकुल में रहते थे, तो गोपियों को वहां की जो वातावरण है, वहां का जो पर्यावरण है, बहुत शीतलता देने वाला होता था। लेकिन जब श्री कृष्ण चले गए तो बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, तो बिना गोपाल के, बिना हरि के, यहाँ की जो कुंजे है, यहाँ के जो वन है वो बैरी हो गए हैं, और यहाँ की जो लता है वो जब हमें शीतल लगती थी, जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे लीलाएं करते थे तो हमें शीतलता देने वाली होती थी, अब तो विषम ज्वाला की पुंजे हो गई है, अब उनसे तो ज्वाला निकलती है। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गुंजे। तब जमुना नदी बहती भी बहुत अच्छी लगती थी, बहुत शीतलता देने वाली होती थी, पक्षी जो बोलते थे उनका स्वर बहुत मधुर लगता था, शीतलता देने वाला आता था, और वहां यहाँ जो कमल खिलते थे उनका भी रूप बहुत शोभा देने वाला होता था, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन पवन पानी घनसार संजीवनी, दधि सुत किरण भानु भई बुंजे। लेकिन यहाँ का जल, यहाँ की वायु, यहाँ का जो भी प्राकृतिक तत्व है, वो सभी तत्व उस समय हमें शीतलता देने वाले होते थे, हमें आनंद देने वाले होते थे जब श्री कृष्ण यहाँ रहते थे। लेकिन अब जब श्री कृष्ण यहाँ से चले गए हैं तो सारी चीजें, सारे प्रकृति के तत्व हमें पीड़ा देने वाले हो गए हैं, हमें विरह देने वाले हो गए हैं। ठीक है, ए उधो कहियो माधव सो, विदह कदन करी मारत लुंजे, सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियां भई बरन जो गुंजे। हे उधो, आप माधव से जाकर के ये कह देना कि आपके विरह के अंदर यहाँ की प्रत्येक चीज निर्जीव हो गई है, प्रत्येक वस्तु प्राणहीन हो गई है, और वो सब किसके कारण, आपके चले जाने के कारण, आपके विरह के कारण यहाँ की प्रत्येक चीज निर्जीव हो गई है, और निर्जीवता को दूर करने का एकमात्र तरीका यही है, एकमात्र उपाय यही है कि आप यहाँ आए, हमें हमारे नेत्रों को अपने रूप सौंदर्य का दर्शन दे करके इन्हें तृप्त कीजिए, और इसी से ये जो तृप्ति बनी हुई है, ये जो तृष्णा बनी हुई है, ये आपके रूप का दर्शन करने के बाद ही इनको संतुष्टि प्राप्त होगी, और ये आपके रूप का दर्शन करके संतुष्ट होंगी, तृप्त होंगी। ठीक है, शब्दार्थ देख लीजिए इसके एक बार। हरि श्री कृष्ण, जकड़ी यानी जकड़ा जकड़ना पकड़ना, तिन्हे यानी उन्हें, राची यानी रंग में रंगी हुई, पतुखी यानी पत्ते का दोना, हारिल एक प्रकार का पक्षी, कड़वी ककड़ी यानी कड़वी ककड़ी, चक्री यानी फिरकी, स्थाई न रहना, झुकी यानी दुख से पछताई हुई, और बारक एक बार। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।